हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसके पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 7A और ये इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी इसका अनुपात कैलकुलेट करना है डिवाइड में आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 केजी और यहाँ लिखा हुआ है 2500 ग्राम। इन दोनों का अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है, यानी जिसमें इसको मेजर किया गया है, वो क्या है? केजी है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो कब कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसको सेम बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या लिख देंगे, सिंस 1 केजी इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 मल्टीप्लाई 1000 और पीछे लिख देंगे ग्राम, और लास्ट वाली वैल्यू को अपन एजीस लिख देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राम में कन्वर्ट है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना जाएगा अपने पास में? 10,000 ग्राम टू 500 ग्राम। ठीक है, अब जो दोनों डिजिट है, मतलब की जो दोनों यूनिट है अपने पास में, वो किसमें है? ग्राम में है। तो इसका रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू क्या लिख देंगे यहां से? डिवाइड बाय 500 ग्राम। यहां से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1220 कैंसिल आउट, 100/5, यानी कि लिख दिया आपने 100/5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम, और ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 20 टाइम, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 20:1, और ये जगह इसका राइट आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 60 पैसे 2 रुपीज 5। ठीक है, 60 पैसों का 5 रुपीज के साथ में रेशियो कैलकुलेट करना है। वही सेम प्रोसेस, यहाँ रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं, यानी कि दोनों की जो यूनिट है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इनको सेम बनाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 1 रुपीज में क्या होते हैं? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे अपन? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहां से? 60 पैसे 2। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 500, और साथ में क्या लिख देंगे? पैसे लिख देंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये 5 रुपीज लिखा हुआ था, और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100, इसलिए वो कितने हो गए? 500। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहां से लिखेंगे 60 पैसे अपॉन 500 पैसे। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6/50, और इन दोनों नंबर्स को अपन कैंसिल आउट कर देंगे 2 से। तो ये 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो रहा है? 3 टाइम, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 25 टाइम। आगे सोल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसको लिख देंगे 3/25। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी कि रेशियो तब कैलकुलेट करते हैं जब दोनों की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब रेशियो का आंसर आता है तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यानी कि उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट्स क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट, 40 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, यानी इन दोनों का रेशियो निकालना है। वही सेम प्रोसेस, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 40 सेंटीमीटर और डिवाइड 5 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अपने पास पता है अपने को कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, इसलिए यहां लिख दिया 500 सेंटीमीटर। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग रहा? 4/50। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 2 टाइम, 2 से 25 टाइम, रेशियो आ जाएगा 2:25। डी पार्ट है, 20 मिनट का रेशियो कैलकुलेट करना है 2 आवर के साथ। ठीक है, तो यहां लिख देंगे सबसे पहले 20 मिनट अपॉन 2 आवर। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, यहां लिख देंगे मिनट, यहां लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में अपने पास में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, इसीलिए इस 2 आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से सोल्व करेंगे इसको, तो 20 अपॉन ये हो जाएगा 120, और मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट 1 टाइम, और ये हो जाएगा 6 टाइम। इसका रेशियो लिखेंगे तो कितना लिख देंगे? 1:6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट इसका ई पार्ट 73 डेज टू 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं अपने पास में 365 लिख देंगे डिवाइड में और 73 को यहां लिख दिया। ये डेज से डेज कैंसिल आउट हो गए, दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे किससे 73 से, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:5। नेक्स्ट है 20 मिनट का रेशियो निकालना है 160 सेकंड के साथ, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 160। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120/16। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 60 टाइम, ये होगा 8 टाइम। फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 30 टाइम, ये 4 टाइम। फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 15 टाइम और ये 2 टाइम। और लास्ट में अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए इसका आंसर लिख देंगे 15:2। नेक्स्ट है जी पार्ट इसका 400 ग्राम टू 2 केजी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे अपन 400 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 केजी लिखा हुआ है, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, यहाँ लिख देंगे अपन 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, ठीक है। तो यानी कि न्यूमरेटर में तो बचा 2 और डिनोमिनेटर में बचा अपने पास में 10। फिर वापस दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 1 टाइम और 5 टाइम, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:5। 150 रुपीज का 500 रुपीज के साथ में रेशियो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो इन दोनों की यूनिट है, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, तो इसमें अपने को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 150/500। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 15/50, ठीक है। दोनों को 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम 3 टाइम और ये होगा 10 टाइम। आगे सोल्व नहीं हो रहा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3:10। आई पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट अलग अलग है तो सेम यूनिट बनेंगे, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं अपन 100 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 9 से 27 कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम, यानी कि 100/3 और ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, इसका रेशो लिख देंगे 100:3, ठीक है तक। और इसका लास्ट पार्ट है 30 डेज को 30 डेज का रेशो निकालना है 36 आवर्स के साथ, तो 1 डेज में 24 आवर होते हैं, इसलिए 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेज को किसमें कन्वर्ट करने के लिए आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 36 आवर्स, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो रहा है 6 से 4 टाइम यहां लिख दिया, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 6 से 6 टाइम ये यहां पे लिख दिया, और 6 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम, यानी कि 5×4=20 आ जाएगा और डिवाइड में 1 बचा, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 20:1। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जहां तक ये सॉल्व हो रहा है वहां तक इसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो आपको कुछ रेशियोस दे रखे हैं 45:150, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे इसको 45/150 लिख दोगे। अब ये दोनों नंबर एक किसी नंबर से कैंसिल आउट होंगे, उससे अपन इसको कैंसिल करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट में यहाँ 0 आ रहा है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, दोनों को अपन 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो रहा है 9 टाइम, यहाँ लिख देंगे 9, इसी को भी 5 से ही कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो ये 5 से कितना टाइम कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास, ये कैंसिल हो रहा है 5 से 3 और 0 यानी 30 टाइम, ठीक है। फिर इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, दोनों नंबर जो है 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 टाइम और ये कैंसिल आउट हो रहा है 10 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:10। और अगर अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना हो, ठीक है, तो अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, बिना इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखे अपन डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, दोनों नंबर 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है 8 टाइम और ये कैंसिल आउट हो रहा है 115 टाइम, आगे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि आगे ये 2 से कैंसिल होगा और ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो इस वजह से इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट इसका सी पार्ट 24:72, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे ऐसे नंबर से कैंसिल आउट करेंगे जो दोनों को कैंसिल करते हैं, तो 2 आ रहा है, 2 से ही कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम 12 टाइम और रेशो ये कैंसिल आउट हो रहा है 36 टाइम, फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 6 टाइम और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 18 टाइम, फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम और ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 9 टाइम, और अब लास्ट में दोनों नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये तो हो रहा है 1 टाइम और ये हो रहा है 3 टाइम, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 1:3। नेक्स्ट इसका डी पार्ट 144/96, तो दोनों नंबर को कैंसिल करेंगे, ठीक है, या तो आप डिवाइड की फॉर्म में लिख लो या फिर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है मतलब कि दोनों नंबर्स 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 72 टाइम और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 48 टाइम। अब वापस ये 2 से कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, कैंसिल कर देते हैं, तो
72 जो है वो 2 से कैंसिल होगा 36 टाइम, और 48 जो है वो 2 से कैंसिल होगा 24 टाइम, फिर कैंसिल कर देंगे 2 से, ठीक है। या फिर अपन इसको बड़े नंबर से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो अपना आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। अब ये 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 के अलावा 12 से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 6 से भी कैंसिल हो रहा है, तो अपन इसको 12 से ही कैंसिल करते हैं। तो कितने टाइम, 3 टाइम, और ये 2 टाइम, तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। थोड़ा इसका आंसर आ जाएगा 3:2। नेक्स्ट है 32:72, तो पहले इसको डिवाइड की फॉर्म लिख लेते हैं और अपन डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं किससे, अपने पास 2 से, कितने टाइम, ये हो रहा है 16 टाइम और ये 36 टाइम। इसके बाद फिर कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, लेकिन अगर अपन 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो अपना आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम, 4 टाइम, और ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 9 36 होता है 9 टाइम, और आगे कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 4:9। और इसका लास्ट पार्ट है एफ, 78/100, यानी कि 100, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 39 और 50 टाइम, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 300 ऑरेंजेस, यानी कि अपने पास में टोटल 300 ऑरेंजेस है, जिसमें इस एक शॉप में, ठीक है, उसके अंदर 60 ऑरेंजेस आर फाउंड रोटेन, यानी कि खराब पाए गए, फाइंड द रेशो ऑफ, अब बाकी का रेशो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन लिख देंगे कि टोटल ऑरेंजेस इक्वल टू 300, ठीक है, उसमें से खराब कितने 60 हैं, तो फिर गुड, यानी कि जो बचे हुए अच्छे हैं, गुड ऑरेंजेस इक्वल टू टोटल में से खराब को सबट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 300-60 इज इक्वल टू 240 ऑरेंजेस ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। तो फर्स्ट रेशो क्या कैलकुलेट करना है, रोटेन ऑरेंज टू गुड ऑरेंजेस, ठीक है, यानी कि खराब के साथ अच्छे का रेशो कैलकुलेट करना है। तो ये कितने हैं अपने पास में, ये लिखा हुआ 60, यहां लिख देंगे सबसे पहले, ये अपने को रेशो कैलकुलेट करना है अपॉन गुड, तो यहां से लिखेंगे कितना 60/240, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम और ये होगा 4 टाइम, तो इसका रेशो कितना जाएगा 1:4, ठीक है। दोनों नंबर को अपन 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन अगर अपन बड़े नंबर से कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर जल्दी आएगा। सेकंड फाइंड आउट करना है गुड ऑरेंजेस टू टोटल ऑरेंजेस, यानी कि गुड ऑरेंज का रेशो निकालना है किसके साथ, टोटल के साथ, तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, गुड कितने हैं 240 और टोटल कितने अपने पास में 300, 0 से 0 कैंसिल आउट, दोनों नंबर को अपन 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम, 6 4 24 और 6 5 30, आगे सोल्व नहीं हो रहा, यानी रेशो हो जाएगा 4:5। क्लियर यहां तक। और इसका सी पार्ट है रोटेन ऑरेंज टू टोटल ऑरेंजेस, ठीक है, यानी कि अपने को ये वाला रेशो कैलकुलेट करना है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन टोटल। देखो ये कितने हैं, खराब वाले कितने अपने पास में 60 और टोटल कितने हैं 300, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 6 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम और ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम, यानी कि रेशो हो जाएगा 1:5, तो ये आ जाएंगे इनके आंसर्स, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे बोला है आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 2400 आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स, ठीक है, 2400 तो बॉयज है और रिमेनिंग क्या है, गर्ल्स है, तो टोटल कितने अपने पास में 4000 है, उसमें से बॉयज कितने 2400, तो रिमेनिंग कितने बचे अपने पास में 1600, 4000 में से 2400 को क्या कर लिया अपने, सबट्रैक्ट कर लिया, तो इसका आंसर आ गया गर्ल्स का। इसके बाद में आपसे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स अपने को मिल गई, मतलब इसके बाद आपसे बोला है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बाकी के अपने को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बॉयज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ में रेशो कैलकुलेट करना है, बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज कितने अपने पास में 2400 और टोटल कितने अपने पास में 4000, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, 24/40 अपने पास बचा, यहां लिख देंगे 24/40, अब इन दोनों नंबर को अपन 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम, ये तो हो रहा है 6 टाइम कैंसिल आउट और ये हो रहा है 10 टाइम कैंसिल आउट, ठीक है, फिर कैंसिल हो रहा है अपने अभी अपने पास ये किससे 2 से 3 टाइम और 5 टाइम, यानी कि इसका रेशो हो जाएगा 3:5। सेकंड है इसका बी पॉइंट गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसके लिए, तो गर्ल्स कितने अपने पास में 1600 नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने थे 4000, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 16/40, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को,
फोर टाइम और ये 10 टाइम, फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 टाइम और 5 टाइम, यानी इसका रेशो आ जाएगा 2:5। और इसका लास्ट पार्ट है सी, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज कितना है 2400 और गर्ल्स कितनी है 1600। 20 से 20 कैंसिल आउट, 24/16, दोनों को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम, ये तो हो रहा है 6 टाइम और ये हो रहा है कैंसिल 4 टाइम, फिर 2 से कैंसिल हो रहे हैं 3 टाइम और ये 2 टाइम, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3:2। ये हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर्स। क्लियर यहां तक? तो इस वीडियो में अपन ने इसके एक्सरसाइज 7A की पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।